देखिए हम काफी खुश हैं। मैं तो 100 के बारे में सोच रहा था, 99 मिले तो ठीक है, एक कम है, लेकिन जनता तो हम पे जो विश्वास रखे हैं ये तो हम पूरी करेंगे 99 से या 100 से। सर प्रधानमंत्री मोदी की शपथ डेट आ गई 8 जून को, बताया जा रहा है कि शपथ लेने हैं। अच्छा ठीक है, देखा है राष्ट्रपति इनको बुलाया। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आशा लगातार मीटिंगों का भी दौर जारी है, एनडीए की भी मीटिंग चल रही है, साथ में आप लोगों की भी, इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग। जी जी, नेचुरली रिजल्ट आने के बाद लोगों को मिलना पड़ेगा आपस में, तो ये अच्छी बात है, ये हो रही। इंडिया अलायंस के सारे नेता मेरे ख्याल में आज आए हैं, देखते हैं क्या होता है। सर खड़गे जी ने कल मैसेज भी दिया था कि लगातार मीटिंग का दौर जारी है, हम भी मीटिंग कर रहे हैं, आगे पत्ते खोलेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं बढ़ने की और? देखते हैं भाई ये सब, मैं तो अभी हवाई जहाज में बैठा था 3.5 घंटे, अभी आया हूँ तिरुवनंतपुरम से, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं खुश हूँ कि जनता बदलाव चाहते थे और ये दिखाए वोट पे। ये एग्जिट पोल्स जब आए थे मैंने उसी वक्त कहा था कि ये ठीक नहीं है, कि जो वो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जमीनी हकीकत देखने के बाद हम कभी भी इस पे भरोसा नहीं रख सकते कि इस किस्म के आंकड़े आएंगे, और देखिए गिनने के बाद हमने देखा क्या हुआ। अच्छी बात, थैंक यू। तो जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के साथ बातचीत की और जो हम चाहते थे कि इस देश में हम बदल ले, इसी विषय का उठाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों के आय, ये सारे विषय तो जनता के विषय हैं, और मेरे ख्याल में ये है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या। अगर प्रधानमंत्री और सरकार हमारी नहीं है और वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो इन विषयों को बिल्कुल उनको फोकस करना ही पड़ेगा। इसलिए तो हम हैं विपक्ष में, हम होंगे इनको इनको याद रखने के लिए, कि याद दिलाने के लिए कि ये सब है जनता के विषय।